कंगना रनौत के बाद बदला स्टार तापसी पन्नू के निशाने पर भी आ गए हैं फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म मेकर करण जौहर। तापसी पन्नू ने पिंक, बेबी, मुल्क और मनमर्जिया जैसी क्लासिक फिल्में करके फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा कायम करवाया है, लेकिन इसके बावजूद वो करण जौहर के मशहूर टीवी चैट शो कॉफी विद करण का हिस्सा नहीं बन पाई है। जबकि वंशवाद फैलाने का तमगा हासिल कर चुके फिल्ममेकर करण जौहर के इस चैट शो में बॉलीवुड में नए नए कदम रखने वाले स्टार किड्स तक अपनी एंट्री दर्ज करवा चुके हैं। फिर चाहे वो सारा अली खान हो या फिर जानवी कपूर या फिर अनन्या पांडे, जिन्होंने अब तक एक भी फिल्म नहीं की है। ऐसे में हाल ही में जब करण जौहर के टीवी शो के नए प्रोमो वीडियो में एक्टर वीर दास ने मजाकिया लहजे में तापसी पन्नू का नाम लिया, so much pink in this set that तापसी पन्नू tried to act in. अपनी बेबाकी के लिए मशहूर बदला स्टार ने तनिक भी देर न लगाते हुए बेहद सटीक जवाब दिया, मजेदार, लेकिन बस इतना ही कि तापसी अभी तक यहाँ पहुँचने के लिए योग्य नहीं है। मैं इस एपिसोड को देखने के इंतजार में हूँ, आप सभी काफी मजाकिया हैं। बता दें कि तापसी पन्नू इन दोनों अपनी फिल्म बदला को लेकर चर्चाओं में हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि करण जौहर पर भेदभाव करने का आरोप लगा हो। इससे पहले उन पर ऐसा ही आरोप कंगना रनौत भी लगा चुकी हैं। कंगना रनौत ने कॉफी विद करण के शो के दौरान ही फिल्म मेकर को आड़े हाथों ले लिया था। तापसी पन्नू भी फिल्म इंडस्ट्री में भेदभाव के मुद्दे को उठा चुकी है। बीते कुछ दिनों पहले ही तापसी ने कार्तिक आर्यन की पति पत्नी और वो से उन्हें बिना बताए फिल्म से आउट करने पर मेकर्स के खिलाफ खुलकर अपनी राय रखी थी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल पत्रिका एंटरटेनमेंट, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें।